हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पिक्सल एलईडी कॉम्बो। इसके ऊपर ये वीडियो डिटेल में होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं रवि गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, पिछले 4 साल से मैं पिक्सल एलईडी का बिजनेस कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को मैंने ये कंट्रोलर, पावर सप्लाई एंड कॉम्बो दिया है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ने के वजह से ये सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कमी आने लगी है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बेस्ट है, आपको कौन सा लेना चाहिए जो आपको लॉन्ग लाइफ चले, तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। जब भी आप कॉम्बो खरीदते हैं तो आपको पहले ध्यान क्या रखना है कि आपको एलईडी कितने चलाने हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारा 50 एलईडी का पिक्सल एलईडी है। अगर आप 50 एलईडी चलाने के लिए कॉम्बो खरीदते हैं तो क्या होता है कि ये जो है आप अप्रॉक्स जो है 2 से 2.5 एम्पियर का करंट कंज्यूम करता है। डिपेंड करता है कि कौन सा कलर चल रहा है। जैसे थोड़ा डिटेल में मैं बता दूँ, ये जो पिक्सल एलईडी है ये 3 कलर के एलईडी से बना होता है, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। मान के चलिए आपको इसमें पीला कलर चलाना है तो आपको जो है रेड वाला और जो है ग्रीन वाला, ये दो मिक्स होंगे तो येल्लो बनते हैं। इस टाइप से जो है वाइट बनाने हैं तो रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कलर के अकॉर्डिंग आपका करंट रेटिंग घटता या बढ़ता है। अगर आप 50 एलईडी चलाने के लिए कॉम्बो ले रहे हैं तो आपको जो है आप देखेंगे कि कॉम्बो के अंदर छोटे छोटे पावर सप्लाईज और एक आपको कंट्रोलर लगे होते हैं। कॉम्बो इसलिए नाम दिया गया है इसका क्योंकि इसमें जो है आप डायरेक्ट एसी देंगे और आपको यहाँ पे डीसी प्लस डेटा, डीसी मतलब 5 वोल्ट जो पिक्सल को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, प्लस डेटा जो इसको सिग्नल देता है कि कौन सा कलर कब ऑन करना है। ठीक है, जब भी आप किसी कॉम्बो को खोलेंगे तो आपके उसके अंदर 2 सर्किट मिलेंगे। जैसे मैंने ये खोला, इसके अंदर 2 सर्किट है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 एम्पियर का ये पावर सप्लाई है और एक जो है ये हमारा कंट्रोलर है। तो अगर आप इस टाइप के कॉम्बो से इसे चलाएँगे तो अगर 50 LED चलाएँगे तो ठीक है, आपका काम करेगा। लेकिन अगर 100 LED के लिए चलाएंगे, कब फेल्योर हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये जो सर्किट है ये आपको चार्जर वाली, जो मोबाइल की चार्जर की किट है वो वाली सर्किट है। ठीक है, इसका करंट रेटिंग जो है अप्रॉक्स जो है 1 एम्पियर का होता है। पीछे देखिए एकदम सिंपल सा सर्किट है, इसमें कोई IC भी नहीं लगा हुआ है स्विचिंग करने के लिए। ठीक है, एक और मैं कॉम्बो दिखाता हूँ। ये जो है ये भी एक कॉम्बो है और इसमें भी देखिए आप सर्किट की साइज, और इसमें क्या है कि आपको जो है पिक्सल के IC अंदर लगे हैं, मतलब सेम PCB पे लगे हैं। और यहाँ पे जो है पावर सप्लाई के लिए ड्राइवर के लिए डेडिकेटेड IC है, जो इसके पल्स को, स्विचिंग को, जैसे SMPS होता है उसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, जो इसमें PWM सिग्नल के थ्रू जो है इसके स्विचिंग को कंट्रोल करता है। ये भी एक्चुअल 5 एम्पियर नहीं है, लेकिन जो है ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा कंपेयर टू दूसरे के। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी आप कॉम्बो खरीदेंगे तो एक बार खोल के ज़रूर देखना है कि किस टाइप का है। अगर 100 LED के लिए ये चल सकता है, लेकिन ये वाला जो है 100 LED पे आपका काम नहीं करेगा अच्छे से, इन फ्यूचर फेल्योर होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको हम लोग चला के ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपको मार्केट में जो है 30-40 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक के कॉम्बो देखने के लिए मिलेंगे, 150 रुपये के भी देखने के मिलेंगे, जिनका जैसा क्वालिटी है वैसा प्राइस लेते हैं। अभी तो इसमें फ्रेश सर्किट लगा है, अगर हम इसमें सेकेंड हैंड जो कवार वाले सर्किट आते हैं, चार्जर आते हैं, उनके उसको खोल कर लगा दें तो इसका कॉस्ट और कम हो जाएगा। वो 10 से 12 रुपये का मार्केट में सेकेंड हैंड कूड़े में मिल जाता है और उसको आप रिपेयर करके भी बना सकते हैं। तो इस टाइप के भी कॉम्बो अवेलेबल है मार्केट में जो कि काफ़ी चीप क्वालिटी का है, चलते हैं। ठीक है, 50 LED के लिए आप चलाएं, ये भी चलेगा 50 LED के लिए, लेकिन 100 LED में चांस है कि फेल्योर होने का। अब जो है हम लोग इसको ऑपरेट करके देखते हैं, कॉम्बो को लाया क्यों गया। मेनली दोस्तों होता क्या है, जब भी आप पिक्सल का बेल्ट बनाते हैं या ऐसे ही सिंपल घर पे डेकोरेशन करना है सिंपल, तो लो बजट का एक कंट्रोलर चाहिए था पावर सप्लाई के साथ, जो कि ये बनाया है कॉम्बो, मतलब कंट्रोलर प्लस पावर सप्लाई। तो मैं इसे ऑपरेट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा कॉम्बो। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कहाँ पे लगाना है और इसे कैसे खरीदना है, क्या ध्यान रखना है। और दोस्तों, जब आप नॉर्मली कॉम्बो पर सिर्फ LED लगाना चाहते हैं
तो आप इसे बेंड करके अगर एक केबल टाई लगा देंगे तो काफ़ी ये प्यारा लगेगा। मैं एक कंप्लीट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमने क्या किया है, एलईडी को जो है केबल टाई की हेल्प से वन डायरेक्शन में कर लिया है। ये देखिए हमारा एलईडी जो है वन डायरेक्शन में है और हमने यहाँ कॉम्बो लगा दिया। कॉम्बो लगाने के बाद तो ये काफ़ी प्यारा दिखेगा अगर आप एक डायरेक्शन में इसे लगाएंगे तो। लगेगा ये रनिंग कर रहा है, ठीक है। मेरे पास अभी लाइट बहुत ज़्यादा मतलब चारों साइड से जल रहे हैं इसलिए काफ़ी आपको उतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अभी इसमें और भी डिज़ाइंस आने वाले हैं तो आपको वो दिखेगा कि लाइट मतलब अगर आप केबल टाई लगा के इसे बैंड करके लगाते हैं कॉम्बो पे अपने घर के खिड़की के ऊपर या कहीं भी तो ये आपको काफ़ी प्यारा प्रीमियम लुक देखने को देगा, ठीक है दोस्तों। तो होप तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पिक्सल एलईडी कॉम्बो कैसे ख़रीदना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।